मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने खुद के साथ साथ अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक कर दी है। सपा के साथ कदम से कदम मिलाकर आखिरी के दो चरणों के लिए डिंपल धुआंधार प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में वो पहुंची आजमगढ़, जहां से उनके देवर खड़े हैं। यहां उनका एकदम अलग अंदाज सपा समर्थकों को भा गया। डिंपल यादव ने मंच से कुछ ऐसी बात कही कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जनसभा स्थल गूंज उठा। डिंपल यादव ने भोजपुरिया स्टाइल में आजमगढ़ की धरती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के कलेजे में आजमगढ़ बसा है। इसके आगे डिंपल यादव ने आजमगढ़ वासियों को संबोधित करते हुए ये बताया कि आजमगढ़ के निवासियों से समाजवादी पार्टी का अटूट और दिल का रिश्ता है, जो मरते दम तक रहेगा। सपा नेता डिंपल यादव का भोजपुरिया भाषण सुनते ही आजमगढ़ के लोग गदगद हो उठे। पूरे मंच पर सिर्फ और सिर्फ तालियों की आवाज गूंजने लगी। और तो और, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी जोश हाई लेवल पर पहुंच गया। सपाई तो मानो झूमने लगे। इस वीडियो को डिंपल यादव के देवर और आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैनपुरी की माननीय सांसद आदरणीय भाभी श्रीमती डिंपल यादव जी का लोकसभा आजमगढ़ की विधानसभा मेहनगर में संबोधन। अपने दूसरे पोस्ट में धर्मेंद्र यादव लिखते हैं, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार आजमगढ़ की सरजमी में भाजपाइयों की जमानत जब्त होने जा रही है। खैर, ये जोश आजमगढ़ की जनता का दिल जीत पाता है या नहीं और किसकी जमानत जब्त होती है, ये तो नतीजे बताएंगे। बता दें कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की सीधी टक्कर बीजेपी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ दे रहे हैं, जिन्होंने 2022 के उपचुनाव में उनको हराया था।